right. Couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the word. Good morning दोस्तों, आज है हमारा यहाँ पे आखिरी दिन। हम लोग आज ट्रैवल करेंगे एंड चेकआउट कर रहे हैं हस्बैंड देयर। एंड हमारी ये स्टे बहुत अच्छी थी इस होटल में। एंड उसके बाद हम कुछ पैक करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि यहाँ से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे वेट की लिमिट थोड़ी अजीब है, तो हम इधर उधर करने में पूरे 12 बज गए। और यहाँ पे इतनी गर्मी है और हमें जाना है ठंड में। या मेरे को जुराबा भी नहीं है एंड हमने पूरे विंटर्स वाले कपड़े पैक कर लिए हैं क्योंकि इसको अगर एडजस्ट करते तो पार और बढ़ जाता। या बहुत एग्जॉस्टिंग था कल वाला दिन। एंड आज जब मैं उठी मेरा सर में इतना बुरा दर्द था एंड एलर्जीज भी हो गई मुझे, बट मैंने दवाई खाई, ठीक हो गया। एंड सर दर्द मुझे लग रहा था कैरी ऑन होगा, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। सो अब हमारा क्या है, हस्बैंड चेकआउट कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा प्यारा सा कुछ क्यूट। आई डोंट नो चलो खाएंगे नहीं। और उसके बाद हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट दुबई से नहीं है, हमारी है शारजाह से। मुझे आधा घंटा दूर है वो यहाँ से। सो वहाँ पर जाएँगे एंड आप पूरा बैग जो थैला भर के रखा है ना मैंने, ये हमें पहनना है। और हस्बैंड कह रहे हैं मैं नहीं पहन सकता। और यू नो गाइस, कल मैंने कपड़े वॉश किए एंड ये क्योंकि हम पहन के आए हैं वहाँ से क्योंकि वहाँ पे माइनस था, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पसीने बुरे हाल एंड कपड़े इतने गंदे। हस्बैंड कह रहे वॉश नहीं करते, कोई और कहीं घूम लेते हैं, वॉश कर गंदे ही पहन लेंगे। मैं गंदे नहीं पहन सकती हूँ, मुझे वॉश करने पड़ेंगे। सो कल बहुत टाइम हमने वॉश करने में लगा दिया। और यहाँ पे कॉइन लॉन्ड्रीज़ नहीं है, लॉन्ड्रीज़ है वो आपको वॉश करके देती है सर्विस, पर उनके पास समय नहीं था। कह रहे कि इतनी जल्दी हम धो नहीं सकते, एक घंटे में हम शाम को देंगे, अगले दिन देंगे, 2 दिन। वो कह रहे थे हम नेक्स्ट डे अदर डे देंगे, आफ्टर डे आफ्टर टुमारो देंगे। सो ये था कि हम जो पहले होटल में रहे थे ना, वहाँ पर कॉइन लॉन्ड्री थी। 50-60 ग्राम लगे, मैं एक लोड धो लिया मैंने, मेरा, हिम्मत का, हस्बैंड का, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स। सो अच्छा फ्रेश हो गया। सो अब उसको पहन सकते हैं। पसीने वाले कैसे पहनेंगे, इतनी गर्मी ऑलरेडी है। आपको खाने के साथ मिलते हैं क्या खाने वाले हैं उसके बाद एयरपोर्ट पे। सामान चकना बहुत मुश्किल है, मेरा सामान गिरी आना दोस्तों। ओके सो खाना खाने के लिए आए हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इस रेस्टोरेंट का नाम है बीकानेर वाले। हमने फर्स्ट डे भी खाया था। हमारा नंबर है 11। सो दिस ब्यूटीफुल एंजल नंबर इज़ नॉट लीविंग अस। एंड यस, छोले भटूरे खाने वाले हैं क्योंकि ये लड़का कितने दिन से बोल रहा है। हम पूरी भाजी खा रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल, पर छोले भटूरे की डिफरेंट वाइब है ना। तो यू एक्साइटेड? सो फाइनली मनु छोले भटूरे मिले हैं, काले छोले। सो हमने लिया है आलू परांठा, भटूरे छोले फॉर मी एंड फॉर हिम, एंड ही इज लविंग इट एंड डैडी इज स्टीलिंग फ्रॉम हिम। सो गाइस, पंजाबी रेस्टोरेंट पे आए हैं, छोले भटूरे खा रहे, पर मेरा साउथ इंडियन पार्टी इडली। मेरे पति इडली सांभर ही खांदा भरा। But he ate saag। सो हमारी इंडिगो की फ़्लाइट के लिए हिम्मत का मील है चिकन टिक्का, जो कि ठंडा है बट अच्छा लग रहा है। एंड मेरे लिए है ये पनीर, हस्बैंड के साथ शेयर करेंगे। एंड हर हस्बैंड हैव सम ब्रेड और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज इट। एक ही है वो। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, साग एवरी डे। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर। ओके, हमारी फ्लाइट लैंड हुई है 8:15 एंड हमें घंटा हो चुका है ऑलरेडी और हमारा सामान नहीं आया है, सामान गवाच गया है। सो सामान की वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो कितना और समय लगेगा। एंड देन हम रवाना होंगे हमारे शहर की तरफ। एक बैग आया अभी तक, सारे बैग पड़े हैं, पता नहीं कितना टाइम लगना। सारी दुनिया भी जा चुकी है दोस्तों, आप 3 बंदे रह गए थे। मिला ना उन्होंने रोक लिया सारा सामान। एक्सरे करेंगे, एक्सरे। सो पति, हाँ लगन दिया। चप्पल है मछलियाँ। ओके दोस्तों, तो हम लोग आए हैं, ये क्या नाम है इसका, मक्खन फिश, एंड हम टेक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, पर टेक अवे करेंगे तो ठंडा हो जाएगा मालूमता, तो हमने सोचा कि नहीं वो मुंडे लाओ हिम्मता। दिस इज सो एक्साइटिंग, आंधी पहला भी अमृतसर अमृतसरी फिश, बहुत एक्साइटेड है। Guys, look at, I look around and I see catfish also are. I don't know. चलिए तो निकल। ओके दोस्तों, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रश है और हमें जगह नहीं मिली, बट उन्होंने कहा कि बेसमेंट में जगह मिल सकती है, तो हम लोग। ओके दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा थक गया, हमारे साथ सारा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, उसके बारे में स्टोरी टाइम हम कल करेंगे, पर हमने घर जाते हुए ये दुकान देख ली। ओके, इसका नाम है मक्खन रेस्टोरेंट, उसके बाहर ना फिश लिखा है। लोग घर जा रहे थे तो हमने ये रेस्टोरेंट देखा था, हम लंच आ गए, हमने सोचा कि खा लेते हैं, क्योंकि हम जब घर पहुंचेंगे मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स एंड मेरे भाई की वाइफ, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी सो जाएंगे, तो अच्छा है कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, एंड देन हम ड्राइव करेंगे एंड टेक अवे भी लेके जा सकते हैं, कि घर में हीट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दुबई में थे तो हमने जो भी टेक अवे ऑर्डर किए खा नहीं पाए दोबारा, तो गर्म कितने करेंगे, 5 स्टार में तो माइक्रोवेव भी नहीं होता। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई, ये मेरा पहला देसी फूड होने वाला है इंडिया में, आमदई हमने कभी नहीं इतनी जल्दी खाया, वेरी एक्साइटेड, पेट ना ख़राब हो जाए मेरा, एंड आपको दिखाती हूँ मैं मेरा फूड दुबई का कि कैसा है, शक्ल एंड टेस्ट भी बताऊंगी आपको। सो जो अमृतसर के लोग हैं उनको मुझे बताना आपको ये रेस्टोरेंट अच्छा लगता है या नहीं। मक्खन रेस्टोरेंट, मक्खन जैसा फ्लेवर है। ओ पति ने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोग आते हैं और देख भी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है, एंड ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है रात के। मैंने देखा कि हमारे देशों में ना ट्रेंड है बहुत देर रात को चीज़ें खाने का, क्योंकि वहाँ पर तो चीज़ें बंद भी हो जाती है जल्दी। सो ये हमारी फ्राइड फिश है, सबसे पहले हस्बैंड को करेंगे सर्व, पतीनू ठंड पहले, एंड एक छोटा पीस मेरे लिए एंड एक बड़ा पीस छोटे के लिए। कैटफिश है छोटे, दिस इज स्टिकी, दिस इज फॉर दिस गाय, कितना बड़ा के निकले वो कितना बढ़िया पर प्यारी है, तू फूड खा रही है ना, केड़ा मक्खन केड़ा लस्सी है, तेरे सामने सारा लस्सी है, जिंदगी में गंदे तेल की फिर बात है, मैं वही कहनी है ढेड ना खराब हो जाए। ओके दोस्तों, हमें ना थोड़ी वेट करनी चाहिए थी, हल्के फुल्के से स्टार्ट करना चाहिए था ताकि साडा ढेड ना खराब हो, बट ना वी कांट वेट, तो मैं ट्राई कर दिया पति उत्तर से यही ना ट्राई करने लगे, फिर रब ने भेजा कहना पुत मच्छी खाओ, मच्छी बहुत अच्छी, दिन कह तू लैके क्यों गया उन्होंने गलत रोड च, तेरी गलती आ। ओके फिश वधिया, पर चटनी बनाना मेरी वधिया होंगी है, लून ज़्यादा पाता इन्होंने, नहीं खानी। बड़ी ये वर्ल्ड कप जीत गई। थैंक यू रुबानी, ओ माय गॉड आई लव यू फ्लावर। क्या भी करवा हमने, क्या कर दिया यार, ओए 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 थैंक यू ताऊन भी क्या कर करती है, ताकि पालो पालो तो दोनों का कोई नहीं कर दे करती है, वो चलो लग तो नहीं कितनी जय डैडी कार कार है। देखो हिम्मत हो गया। हाँ हो दो भी नहीं किन्नी कर लेंदे 5-7। ओके सो जो भी हमने सामान ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से वो आ गया है। हमारी जो कपड़ है ये पूरी पड़ चुकी है तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कल करेंगे। आज वी आर सो टायर्ड एंड गोइंग बैक टू स्लीप। And there's Rubani. You wanna say something, Rubani? Say hi, everybody. ब्रश कर लिया, पानी चला गया बेचारेगा। मम्मी पानी में चला गया बे। चल गया ये देखी करिए। मम्मी पानी नहीं होता फिर। कोई कारण नहीं।